वेलकम बैक टू विंदास लाइफ स्टाइल। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी विदाउट एग और विदाउट शुगर। शुगर सब्स्टिट्यूट जरूर डालूंगी। तो चलिए और आज बनाते हैं चॉकलेट केक। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए प्लीज़ उसे बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले चॉकलेट लेकर के और थोड़े से चोको चिप्स लेकर के इसे 30 सेकेंड में माइक्रो ओवन में मेल्ट कर लूँगी। उसके बाद 100 ग्राम मैंने लिया है बटर और उसे मैं हैंड ग्राइंडर से मिक्स करूँगी। ये देखिए ये पिघल चुका है और मिक्स हो रहा है। अब मैं इसमें 1 कप ब्राउन शुगर डालूँगी। इसमें मैंने शुगर नहीं डाला है, ब्राउन शुगर डाला है और उसके साथ में अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। ये लगभग मिक्स हो चुका है एक दूसरे के साथ। अब मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क जो कि अमूल का है और इसे 2 चम्मच डालने के बाद अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब मैंने जो चॉकलेट पिघला कर रखा हुआ है उसे मैं लेकर इसमें ऐड करूंगी। तो चलिए चॉकलेट ऐड कर लेती हूँ और चॉकलेट ऐड करने के बाद फिर से इसे मैं हैंड ग्राइंडर से मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से सभी चीज़ें एक दूसरे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ। 1 कप मैंने मैदा लिया है, इसके साथ मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी लिया है जो कि 1 कप से थोड़ा सा कम है और इसमें मैंने लिया है बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। सभी चीज़ों को अच्छे से छान लिया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे में। इसके बाद मैं एक जो इस कंटेनर में मुझे बनाना है उसे मैं बटर से ग्रीज कर लूँगी और उसके बाद इसकी कोटिंग मैं मैदे से करूँगी चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से। मैदे के साथ लगाकर वो चिपक जाएगा। ऐसा करने से हमारे केक जलेंगे नहीं और बर्तन से चिपकेंगे नहीं। उसके बाद मैंने जो बैटर बना रही हूँ मैं उसकी तरफ आती हूँ और इसमें अब मैं 1 चम्मच वेनिला एसेंस मिक्स करूंगी। फिर इसको मिक्स कर देती हूँ मैं। चलिए अब लेती हूँ मैं 1 कप से थोड़ी सी कम ये बटर मिल्क है। बटर मिल्क डालने से काफ़ी अच्छा फूलता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। तो मैं इसमें 1 चम्मच के करीब बटर मिल्क डाल करके इसे मिक्स कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच के करीब मैदा ले लेती हूँ जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान कर रखा हुआ है और उसके साथ मैं इसे मिक्स करूँगी। इसी तरह से मैं थोड़े थोड़े करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स और बटर मिल्क डाल करके एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट मैं बना लूँगी। एक साथ नहीं डालूँगी मैं सारे, थोड़े थोड़े करके डालूंगी और ये बचे हुए जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स उसे भी डालकर मैं अच्छे से इसको मिक्स कर ले रही हूँ। ऐसा मिक्स करूँगी एक स्मूथ सा पेस्ट बने। उसके बाद जो बचे हुए मेरे बटर मिल्क हैं उसे भी डाल देती हूँ। तो इस कंसिस्टेंसी के हमारे बनने चाहिए बैटर। ये बन चुका है। अब मैं ग्राइंडर को बाहर कर लेती हूँ और सारे जो हमारे बैटर है उसे मैं अच्छे से चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चोको चिप्स, कटे हुए काजू, थोड़ी सी किशमिश, आप अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और अब मैं इनको जिस बर्तन में मुझे बनाना है उसमें मैं ढाल लूँगी, धीरे धीरे करके ढालूंगी। पूरा भर कर कभी भी नहीं लूंगी,
नहीं तो फिर बाहर निकलना लग, जब केक फूलता है तो फिर बाहर की तरफ जाती है। हाफ मैं लूंगी, टैप कर लूंगी अच्छे से ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं, वो निकल जाएं और हमारा मिक्सचर इस बर्तन में सेट हो जाए। इसके बाद मैंने ओवन को, नहीं इसमें मैं फिर डाल लेती हूँ पहले चोको चिप्स, ऊपर से काजू कटे हुए, थोड़ी सी किशमिश, ये भी आप अपने पसंद से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने बादाम के टुकड़े रखे हैं काट कर लंबे लंबे, उसे मैं डाल लेती हूँ। ओवन को मैंने प्री हीट किया है 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर, और अब मैं उसमें 180 डिग्री पर ही आधे घंटे के लिए बेक कर लूंगी। ये देखिए बेक हो चुका है। अब मैं चाकू लगाकर देख लेती हूँ कि ये पका है कि नहीं। देखिए ये बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब मैं इसे एक और बर्तन में ले लेती हूँ और इसे पलट करके और फिर देखती हूँ। देखिए ये काफी अच्छे से बर्तन को छोड़ दिया है, काफी अच्छा बेक हुआ है, फ्लफी है, मुलायम है। और इसे मैं अब सीधा करके, मैं इसकी अब कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बना है, स्पॉन्जी है या नहीं। तो आप अपने पसंद से किसी भी शेप में इसे काटिए। मैं इसे तिकोना काट रही हूँ और काट कर आपको दिखाती हूँ कि ये कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, ये देखिए कितना स्पॉन्जी है, बहुत टेस्टी भी बहुत है। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड।